यूपी बोर्ड के लगभग 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का आज इंतजार खत्म होने वाला है। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है 10वीं और 12वीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए। आप चाहे जिस भी राज्य से हो, चाहे जिस भी बोर्ड से हो, इनके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हमारे जो बोर्ड के सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला जी, बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2 नए नियम लागू किए हैं। चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे फिर कॉपी चेकिंग हो, कैसे किया जा रहा है, किसको टॉपर बनाया जा रहा है और किन बच्चों को फेल किया जा रहा है, जो बोनस अंक देने की घोषणा हुई थी, जो आपके पेपर लीक हो गए थे, चाहे आपका मैथ कर रहा हो, बायो कर रहा हो या फिर हिंदी का। काफी बच्चों ने कमेंट करके बताया कि मैम हिंदी का पेपर भी लीक हो गया था, तो क्या इनमें बोनस अंक मिलेंगे? तो हाँ, बहुत ही बड़ी घोषणा की गई थी कि 3 विषयों में आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, यानी 20 नंबर मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले कि ज्यादातर सभी राज्यों की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, सारे राज्यों की बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई, जहां रह गई है उनके लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अपने यहाँ जल्द से जल्द बोर्ड की परीक्षाएं करवा लीजिए, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव होने हैं जिसके तहत रिजल्ट आपकी आचार संहिता से पहले लागू कर दिया जाएगा। तो कॉपियां किस प्रकार से चेक हो रही, उनको बोनस अंक जो भी छात्र हैं, क्या उनको इन 3 विषयों के अलावा भी बोनस अंक दिए जा रहे? क्या जिन परीक्षार्थियों ने अपनी बोर्ड की कॉपी पे पैसे लगा दिए हैं, तो क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस अंक मिल रहे हैं? तो कैसा प्रोसेस हो रहा है, कैसी कॉपियां चेक हो रही, एक एक चीज आपको बताते चलेंगे। तो देख सकते हैं आप इस कॉपी पे पैसे रखे हुए, ठीक है, इस कॉपी पे जो टीचर चेक कर रहे हैं इसमें पैसे निकले हैं, देख सकते हैं आप पूरे 200 रुपए निकले हैं। तो 200 रुपए अगर कोई बच्चा रख देता है तो उसको कितने बोनस अंक मिलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे 300 रुपए। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन है, 300 रुपए बच्चे ने रख दिया, 500 रुपए रख दिया, तो कितने अंक उनके बढ़ जाते हैं? ठीक है, कितने अंक उनके बढ़ जाते हैं जिससे वो बच्चा टॉपर बन जाता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चा टॉपर बनता है तो वो क्या करता है, अगर उसको नहीं भी आ रहा तो रिलेटेड लिखता है, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जामिनर बैठा है कॉपी चेक करने के लिए वो आपका क्वेश्चन लाइन बाय लाइन नहीं चेक करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन लाइन बाय लाइन नहीं चेक करता, क्योंकि उसे पर कॉपी के 8 से 10 रुपए मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कॉपी सीरियल बाय सीरियल चेक करता चला जाता है, अगर आपने रिलेटेड लिखा तो आपको नंबर आगे तक देता चला जाएगा। ठीक है,